नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल, PSSM Blessings ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। ऑडियो नंबर 62 में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है न्यू कमर्स, जिसका अर्थ है नए प्रवेश करने वाले छात्र। मैं एक मठ में गया जिसमें न्यू कमर्स के लिए एक टेस्ट था। पहले दिन जब मैं वहाँ पहुँचा, बहुत सारे लड़के मेरे बहुत करीबी दोस्त बन गए। वे मुझे हर जगह ले गए, लाइब्रेरी, हॉल, म्यूज़ियम, अस्तबल, बगीचे में और भी बहुत सारी जगह, जैसे नदी, झील इत्यादि। दूसरे दिन एक लड़के ने मुझसे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा, सीखने। वह बोला, तब तुम गलत जगह आए हो। यहाँ पर सिर्फ मूर्ख और अज्ञानियों का झुंड है, जिन्हें लगता है कि वे सब जानते हैं, लेकिन वे खाली ड्रम की तरह हैं। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगा, लेकिन जब तक मैं पूरी परिस्थिति को समझ पाता, दूसरे लड़के ने कहा, खासकर यहाँ के हेड टीचर की अपनी कोई नैतिकता नहीं है। वह दिखाते हैं कि वह एक संत आदमी हैं, लेकिन अगर तुम इनके सीक्रेट्स जान लो तो समझ जाओगे कि वह बहुत बुरे आदमी हैं। मैंने कहा, सचमुच? फिर तुम यहाँ क्यों हो? उसने कहा, क्योंकि यहाँ भोजन मिलता है और आराम भी है। मुझे सीखना पसंद नहीं और कुछ बनना भी नहीं, मैं सिर्फ मौज मस्ती करना चाहता हूँ। लेकिन तुम यहाँ ऊंची आकांक्षाओं के साथ आए हो। मैं कुछ सोच पाता उसके पहले ही तीसरे लड़के ने कहा, हम तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं और हम नहीं चाहते कि तुम हमारी तरफ फंस जाओ। अगर तुम चाहो तो कल प्रातः ही हम यहाँ आ सकते हैं और तुम्हें इस मठ से दूर ले जा सकते हैं, ताकि तुम घर जा सको। हम तुम्हें थोड़े पैसे भी दे देंगे, हम तुमसे प्रेम करते हैं। मैंने कहा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे थोड़े दिन आराम करने दो, उसके बाद मैं तुम्हें अपना डिसीजन बताऊँगा। लेकिन उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि उन्होंने जो भी कहा है, अगर वह मैं किसी को भी बता दूं, तो मेरे लिए बहुत बुरी स्थिति उत्पन्न होगी। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया, उनकी कही हुई बातों से मैं बहुत परेशान रहा। दूसरे दिन वही तीन लड़के मेरे कमरे के बाहर खड़े थे। हम सभी नदी तट पर गए और उन्होंने वही सब फिर कहा जो मुझसे पहले दिन कहा था। लेकिन मैं वहाँ के डीन से मिलना चाहता था और पूछना चाहता था कि क्या मैं क्लास ज्वाइन करूँ। वह एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने मुझे ग्रीट किया और कहा, साधारणतः नए स्टूडेंट्स एक सप्ताह तक किसी चीज़ को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते, उसके बाद उनकी परीक्षा ली जाती है और उन्हें सही क्लास में भेजा जाता है। उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। कुछ पशुओं का शिकार करते समय हम कुछ उथली खाइयों पर घास बिछा देते हैं, उन्हें हम फिर पानी से भर देते हैं। घास से बिछी हुई उथली खाइयों में तुम गिर मत जाना, गहरी झील की खोज करना। दोपहर में मैंने किसी से पूछा, ये उथली खाइयाँ किस जगह पर हैं जिन पर घास बिछी हुई है? वे मुझ पर हंसने लगे और मेरे प्रश्न का कोई उत्तर भी नहीं दिया। रात को मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि डीन ने मुझे इस तरह की कहानी क्यों सुनाई। जितनी गहराई से मैं सोचता गया, उन तीन लड़कों का चेहरा मेरे सामने घूमने लगा। मध्य रात्रि को मैं इसका अर्थ खोज पाया। घास वो तीन निंदा करने वाले लड़के थे और उथली खाई वह जाल था जिससे मुझे वहाँ से हटाया जा सके। हमें तो बल्कि स्वयं को शिक्षा की गहरी झील में डुबा देना चाहिए। मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं घास को हटा सकूं और अपने पूरे अस्तित्व के साथ गहरी झील में गिर पड़ूं। भोर होते ही मैं डीन के कमरे में गया और उनसे बातें करने की अनुमति ली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है? मैंने कहा, मैंने आपकी कहानी के बारे में सोचा और अपने उन तीन दोस्तों के बारे में भी,
जिन्होंने मुझे उसी दिन से पकड़ रखा है जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ। मुझे लगता है वे फर्श पर बिछी हुई वो घास है जिनके जाल में फंस कर मैं फालतू कामों में अपना समय बर्बाद कर दूँ। आप वो गहरे झील हैं, मैं स्वयं को आपको समर्पित करता हूँ, आपके हवाले करता हूँ। वह बहुत प्रभावित हुए और बोले, सब कुछ ठीक है। हम बहुत सी नकारात्मक बातें सुनते हैं, अगर हम उनके जाल में फंस जाते हैं तो उस छिपे हुए खजाने को कभी नहीं देख पाएंगे जो हमारा इंतज़ार कर रहा है। आज से तुम मेरे दोस्त हो। उनके शब्दों ने मेरे लिए एक नई दुनिया खोल दी जिसमें मैं अभी भी असीम आनंद के साथ यात्रा कर रहा हूँ। यह घटना और यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, यानी आध्यात्मिक अनुभव। एक बार मेरे एक शिक्षक ने हमें एक बहुत अच्छा लेक्चर दिया। हम प्रायः सातवें स्वर्ग में पहुंच गए थे। हम पूरी मनुष्य जाति को स्वतंत्र करने और इस पूरे ग्रह को शुद्ध करने हेतु तत्पर हो गए थे। जब लेक्चर ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा, जाओ और नदी में स्नान करके आओ। हम सभी नदी के ठंडे पानी में कूद पड़े और इस तरह के लेक्चर के बाद हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। जब मैं वापस आ रहा था, मैंने अपने टीचर को ओक के पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। वह बहुत दुखी लग रहे थे। मैंने सोचा, यह व्यक्ति इतना दुखी क्यों है? मैं जानना चाहता था क्यों, इसलिए मैं उनके करीब गया और उनके साथ बैठ गया। उन्होंने एक निराशाजनक मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ 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 है रूटीन। मुझे ये सोचकर बहुत दुख और पीड़ा हुई कि उनके निराश होने का जरूर कोई गंभीर कारण होगा। मैंने उनकी आंखों में देखा, उनकी आंखों में मेरे लिए दया थी। उन्होंने पूछा, तुम क्या चाहते हो हैरूटीन? मैंने कहा, टीचर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस निराशाजनक मूड में क्यों बैठे हुए हैं। और आपने कहा, हाँ हाँ हाँ, इसका क्या अर्थ है? उन्होंने कहा, क्या तुम सचमुच इस बारे में जानना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ मैं जानना चाहता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।